डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, हम लोग मैथ बना रहे थे 5 क्लास का, और इसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, कुछ प्रॉब्लम मुझे आ गया था, इसकी वजह से रुकना पड़ गया कुछ दिन। और क्लास 5 में साइंस में एक चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है इसको मैथ को बनाने का पूरा मौका मिलेगा हम लोगों को। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर एक्सरसाइज 4, क्लास 5 का ये मैथ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। राइट द प्रीडेसर ऑफ, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसका प्रीडेसर लिखना है। तो प्रीडेसर ये जो वर्ड है इसको आपको जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो फिर ये तो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं इस वर्ड का मतलब तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो प्रीडेसर का मतलब होता है -1, मतलब एक कम कर देना है, -1। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इस वर्ड को ध्यान में रखना है। प्रीडेसर मतलब -1, एक नंबर कम कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको हम क्या बना सकते हैं, ये प्रीडेसर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा मतलब 8 है तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जैसे है बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे, 7 पे 30 है और 607, बस ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको इसका मतलब समझना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ 300 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 299, एक कम हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसमें 1 माइनस कर लेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 3540 और यहाँ पे 299, ये हो गया। और इसमें जो है इसमें भी 1 माइनस हम करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, सब पहले वही लिख देते हैं, 8026000। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग, 1 माइनस करेंगे तो फिर क्या आता है, ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, 8026626 और 000 हो गया यहाँ पे, 1 इसमें माइनस कर दिया। कई बच्चे जो है 1 माइनस करने में उसको प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 9, फिर यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया और यहाँ हो गया 5, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रह गया, फिर 0 और 8, ये इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे गलत हो रहा है तो इसको हम लोग हटा देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 8025999। इस तरह का प्रॉब्लम आता है बच्चों को, तो आप जिन लोगों को प्रॉब्लम इस तरह का होता है तो 1 आप माइनस करके बना सकते हैं, इससे क्या होगा कि गड़बड़ी होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ, तो सक्सेसर ये वर्ड जो है इस पर सबसे ज़्यादा जरूरी ये वर्ड है, इसको समझना है। इसको इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1, इसमें एक बढ़ा देना, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है प्रीडेसर में, तो सक्सेसर में भी समस्या होने की संभावना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, +1 करेंगे, इसका क्या हो सकता है, यहाँ पे 99 देख रहे हैं, 100 हो जाएगा, और 100 होगा तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 829 और यहाँ पर 4 की जगह 5 हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पे ये हो गया है और ये भी हो गया है। अब यहाँ पे भी 999 इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर 1 प्लस करते हैं तो ये बढ़ जाएगा और ये सब 0 में चेंज हो जाएगा, इसीलिए ऐसा दिया हुआ है ताकि बच्चों को बनाने में गड़बड़ी हो जाए। अभी मैं एक तो करके दिखलाता हूँ आप लोगों को, 897 और यहाँ पर 8 की जगह पर 9 और फिर 000, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, ये 40 है तो यहाँ 41 हो जाएगा, ये आसान है, जब 9 दिया हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जो जैसे है वैसे लिख देते हैं, 2898 68 और 41। जब देखिए यहाँ पे दोनों में 9 है, इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो हम इसको एक बी नंबर का यहाँ पे हम लोग इसको बना के देखते हैं क्या दिया हुआ है, 8978999, ये है। यहाँ पे क्या करते हैं, +1, आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लस या माइनस करने में इधर से हम लोग राइट साइड से बराबर करते हैं, इधर नहीं लिखना है, अगर इधर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 9110 हो गया, 0 कर दिए, 1 बच गया, और यहाँ जो 1 बचा वही यहाँ पे लगाएं तो यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया, और फिर उसमें भी 1 बच गया, 1 बच गया तो फिर यहाँ लगाएं, 9 और 1 10 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर वो 1 फिर इसमें भी बच गया, इसमें बच गया तो 8 और 1 9 हो गया, और बाकी जो है सब वही की वही हो जाएगा, ये 8 8979 और 9 पे 30 यहाँ पे आ गया। इस तरह से अब बना सकते हैं, इसमें गड़बड़ी नहीं होगा ऐसा करने से, अगर डाउट होता है तो आप लोग ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि
इसमें कंपेयर करने के लिए बताया गया है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे ये है ग्रेटर देन और ये लेस देन, इसको याद रखना है, ये ग्रेटर देन लेस देन। तो इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ, इसमें क्या होगा कि ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि इसका मुंह जिधर खुला हुआ है उधर बड़ा नंबर होना चाहिए, और जिधर इस तरह से नुकीला है उधर में छोटा नंबर होना चाहिए। ये मुंह इसका खुला हुआ है इधर, तो इधर बड़ा नंबर रहेगा, इसका ये छोटा नंबर रहेगा। सिंपल सा याद रखने का ये तरीका है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बड़ा नंबर पता करने के लिए हम लोग इसको कितना डिजिट है इसको पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ 7 है, मतलब जो 7 है बड़ा ज़्यादा डिजिट है तो वही बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है, तो इसको हम मुँह खुला जो है इधर करेंगे, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं 2 4 6 और 7, यहाँ 7 है और यहाँ पे 3, यहाँ भी 7 है। तो यहाँ पे 7 है, दोनों में 7 है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट में ये 1 से शुरू हुआ है और ये 2 से शुरू हुआ है, मतलब है कि ये बड़ा है। इसको बड़ा कर देते हैं, इसका मुँह इधर खुला रहेगा, हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है। तो यहाँ 8 से शुरू हुआ है और यहाँ 7 से शुरू हुआ है, मतलब 8 बड़ा होता है तो ये बड़ा होगा। तो इसको हम लोग इसका मुंह इधर कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 2 2 4 और 6 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो पता कैसे चलेगा कौन बड़ा है, यहाँ 3, यहाँ भी 3। उसके बाद इसको मिलाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 मतलब ये छोटा है, 4 ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो इसका मुँह इधर रहेगा, ये कम्प्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है, दोनों में 8 है। तो अब कैसे पता चलेगा, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3, और फिर 0, यहाँ 0 मिलता जा रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ इसमें बड़ा है 5 है और यहाँ पे 4 है, मतलब ये बड़ा है, ये 5 बड़ा है तो यही बड़ा होगा। तो ये बड़ा है तो इसको मुँह इधर रहेगा, ये हो गया कम्प्लीट। और यहाँ लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 डिजिट का नंबर है। तो अब मिलाते हैं, ये मिल रहा है 7 2 5 9, यहाँ तक तो मिल रहा है, इसमें भी वही है 7 2 5 9, और यहाँ 0 है और यहाँ पे 5 है, मतलब ये बड़ा है, यहाँ से नहीं मिल रहा है, ये बड़ा है, यहाँ पे 0। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है तो इसको इसका मुंह इधर रहेगा, ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप छोटा बड़ा का चिन्ह भी याद रख सकते हैं और इसको बनाने में इतना आसान है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से एक जो सबसे बड़ा है और एक जो सबसे छोटा है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट और फिर ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग लिखते हैं एस, इससे पता चल जाए कि यह स्मॉलेस्ट नंबर है। तो पता करते हैं स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, मतलब ये छोटा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 डिजिट का है, ये सिर्फ 6 डिजिट का है, तो मतलब यही सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट में ये आ जाएगा 7 2 3 1 5 3, ये हो गया स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग जी लिखेंगे, कैपिटल जी, और ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो सब 7 डिजिट का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो सबसे बड़ा 9 है, तो 9 है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा सबसे बड़ा। तो इसको लिख देंगे हम लोग 9001014, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटेस्ट। इसमें और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी है और इसमें भी हमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट उसके लिए एस लिखते हैं और ग्रेटेस्ट के लिए जी लिखते हैं, ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे पहले हम लोग डिजिट पता करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसका मतलब है कि ये छोटा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट का, इसमें भी 7 है, इन तीनों में 7 7 है और ये 6 डिजिट का है, मतलब ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 9 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद ग्रेटेस्ट में 7 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है, तो यही होगा, तो इसी को देते हैं ग्रेटेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्रेटेस्ट में हो गया, ये कंप्लीट हो गया इसका आंसर। और इसमें भी हम लोगों को निकालना है स्मॉलेस्ट, एस लिखेंगे, और जी ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हम लोगों को कैसे पता चलेगा, ये चेक करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रहा है, यहाँ पे 8 दे रहा है, तो 7 पे हम लोग टिक लगा रखते हैं, ये अगर 7 और मिलेगा तो फिर उसको कंपेयर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन नंबर जो दिया हुआ है वो 7 डिजिट 8 डिजिट में है और ये 7 में है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला जो है वही सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं,
16, 77, 605, ये स्मॉलेस्ट हो गया। और ग्रेटेस्ट में देखते हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ भी 16 है और यहाँ 16 है, तो यहाँ 16 के बाद 2 है इसलिए छोटा है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में 77 है, तो 77 हो गया, ये दोनों मिल रहा है। उसके बाद 77 के बाद 6 मिल रहा है, यहाँ 2, यहाँ 6, 5, तो मतलब ये ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे 5 बड़ा हो रहा है तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो ग्रेटेस्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं 1677 और 65, 6523, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन नंबर ये फाइव में हम लोग आ जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आपको समझना है, असेंडिंग मतलब हो गया छोटा से बड़ा, इस तरह से हम लोग, ये हो गया छोटा से बड़ा, इस छोटा बड़ा 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 बड़ा, इस तरह से छोटा से बड़ा। तो हम लोग यहाँ पे चार नंबर दिया हुआ है, इसको पता करने के लिए हम लोग डिजिट इसको पता कर लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब में 7 है। तो फर्स्ट वाला नंबर सबसे हम लोग पहले मिलाते हैं, ये 9, 9 दिया हुआ है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये सबसे पहले, ये छोटा है तो हम लोग छोटा सा इसमें जो है इसके ऊपर में लिख देते हैं 1, फर्स्ट में ये आएगा। उसके बाद ये देखते हैं, ये 4 दिया हुआ है, इसके बाद ये बढ़ेगा तो ये जो है ये 2 नंबर में आएगा। उसके बाद इसमें भी 9, इसमें भी 9, के बाद इसमें 9 दिया हुआ, 9 के बाद इसमें 0 दिया हुआ, इसका मतलब ये आएगा 3 नंबर में, ये आएगा और 4 नंबर में ये आएगा, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में इसको लिखेंगे 28517, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। अब बी नंबर में हम लोग पहले काउंट डिजिट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 5 दिया हुआ है, यहाँ दोनों में 7 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ, मतलब ये सबसे छोटा हो गया। तो इसके ऊपर में हम लोग 1 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट में देखते हैं यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है कि ये छोटा है, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ये पता चल गया हम लोग को 1 में, तो लिखते हैं इसको 35450, ये हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग पता कर लेंगे। उसके बाद सी नंबर में पहले डिजिट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट का दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, मतलब ये है फर्स्ट में आएगा, 1 इसको दे देते हैं यहाँ पे। और अब ये कंपेयर करना होगा तीनों को, तो ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, ये 4, ये 2, तो ये छोटा है इसका मतलब ये 2 नंबर में आ जाएगा, और 4, 5, 4, 0, इसका मतलब है कि ये आएगा, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में, कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 नंबर में 370, फिर 000, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया कंप्लीट। अब 6 नंबर में जस्ट इसका उल्टा बोला गया है, इसमें असेंडिंग बोल रहा था और इसमें डिसेंडिंग बोल रहा है, तो डिसेंडिंग में क्या होता है, ठीक उल्टा, हमको बड़ा नंबर से छोटा नंबर करना है। अभी हम लोग छोटा नंबर से बड़ा नंबर कर रहे थे, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया बड़ा से, ये बड़ा है, छोटा 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 छोटा, इस तरह से बड़ा से छोटा में जाना हम लोग को, रिवर्स काउंटिंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पता करने के लिए हम लोग डिजिट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छोटा है मतलब ये बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दोनों 7 में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये दोनों 6 में आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा ये दोनों में से हम लोग लेंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, इसका मतलब 8, ये बड़ा है, इसको 1 लगा देते हैं, 1, ये हो गया 2, अब 6 डिजिट ये दोनों है, तो यहाँ 4 से शुरू हुआ है और यहाँ 8 से शुरू हुआ है, तो मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं और ये लास्ट में 4, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 8, 7, 7, 5, 9, 6, 1, 0, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, इसके लिए ये तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि 3 डिजिट का है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दोनों ही 6 डिजिट का है, तो ये बड़ा है इसमें से, और तो इसको हम एक नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 डिजिट का है और ये 7 डिजिट का है, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये तो उल्टा हो रहा है, ये 4 नंबर आ जाएगा, सबसे छोटा हमको बाद में लिखना है। तो ये सबसे बड़ा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग में हमको चलना है। इसको फर्स्ट में लिखेंगे 1, 9, 2, 00, 2, 5, ये हो गया कंप्लीट। अब सी नंबर में
यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे छोटा है, मतलब ये चार नंबर पे लेते हैं हम लोग, चार हो गया और सभी 8 डिजिट में है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये सबसे बड़ा है 6, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया क्योंकि ये 3 में है, 2 और ये 3 हो गया, 4 तो पहले ही पता चल गया है, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं इसको, 6 2 7 0 8 4 8, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, मतलब एक सबसे छोटा नंबर बनाना है और एक बड़ा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। यहाँ पे जो नीचे नंबर जो दिया गया है इसको उपयोग करते हुए एक सबसे छोटा नंबर बनाना है और एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है, इस सारे नंबर का उपयोग होना चाहिए और इसको जो है रिपीट नहीं होना है, सिर्फ एक बार, ओनली वंस, एक बार यूज करना है। तो इसमें हम लोगों को स्मॉलेस्ट बनाना है, इसके लिए हम लोग एस लिखते हैं, और एक ग्रेटेस्ट बनाना है, इसके लिए हम लोग जी लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट दिया हुआ है, 7 डिजिट का बनाना है स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो छोटा रहता है उसको शुरुआत से लिखा जाता है, तो यहाँ सबसे छोटा पहले जो है, सबसे पहले छोटा जो है वो जीरो है, लेकिन जीरो यूज नहीं किया जाता सबसे पहले, क्योंकि अगर पहले जीरो यूज करते हैं तो क्या होगा कि वो 7 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो 6 डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि पहले जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले उससे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो नंबर है ये 2 है, तो सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे, 2 हो गया, उसके बाद जीरो रखेंगे, जीरो, उसके बाद 3 3 4, फिर 5 5 हो गया, उसके बाद उससे बड़ा नंबर जो है 8 है, तो 8, उसके बाद 9, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट हो गया ये। और लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए ये लार्ज नंबर से ही शुरू किया जाता है, और इसको जो है जीरो को हम लोग लास्ट में ले सकते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है जीरो लास्ट में रहेगा। तो हो गया ये ग्रेटेस्ट में 9 8 5 4 5 4 3 2 0, ये हो गया, ये आंसर हो गया इसका, ये कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर में हम लोग को वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो है डिजिट कम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, यहाँ भी 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी हम लोगों को बनाना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, जी लिखेंगे ग्रेटेस्ट के लिए। अब यहाँ पे भी सेम वर्क करना है, जीरो पहले नहीं लेंगे, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 2, तो 2 लिए, फिर जीरो लिए, उसके बाद 3 4 5, यहाँ नहीं है, 6 है, 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर बन गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और जीरो लास्ट में रखेंगे, 8 7 6 4 6 4 3 2 3 2 0, ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का दिया हुआ है, इसका भी स्मॉलेस्ट एक निकालना है, एक ग्रेटेस्ट निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा है, जीरो को छोड़ के 3 3, तो इसको लेते हैं, पहले 3 और फिर 0, फिर 4 5 6 दिया हुआ है, तो 6 7 8 और 9, फिर 9 लेते हैं, सीरियल नंबर से दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ, ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, सिर्फ 0 लास्ट में लिखना है, तो 9 8 9 8 7 6 5 7 6 5 4 3 0, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डी नंबर में आएंगे, डी नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों को बनाना है स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है। इसमें स्मॉलेस्ट, इसके लिए हम लोग सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 1 0 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इसको रिवर्स करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये इसका आंसर हो गया और ये कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा हुआ है राइट एनी नंबर ऑफ 7 डिजिट्स,
कोई भी नंबर लिखना है 7 अंक का, 7 डिजिट का, और राइट अनदर नंबर बाय रिवर्सिंग, और उसको ठीक उल्टा कर देना है, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ उल्टा कर रहे थे उसको उल्टा कर देना है। द डिजिट्स, फाइंड विच ऑफ द टू नंबर्स इज स्मॉलर, तो उन दोनों में से कौन सा छोटा नंबर होगा। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर 7 डिजिट का लेना है तो हम सिंपली ले लेते हैं 1, 2 सीरियल नंबर से ले लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर जो लिए हैं, फर्स्ट टेकन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट का हो गया। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स, रिवर्स नंबर में 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये दोनों नंबर आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ टू नंबर्स इज स्मॉलर, तो इसमें छोटा कौन है, तो फर्स्ट में जो नंबर हम लिए थे, फर्स्ट सेकेंड नंबर, वही जो है सबसे ये छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो शुरू में लिया गया था वो नंबर जो है छोटा हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज स्मॉलर, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हालांकि नहीं दिया हुआ है लेकिन यही होगा। इसके बाद 9 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट एनी नंबर ऑफ 8 डिजिट्स, कोई भी 8 डिजिट का नंबर लेना है, राइट अनदर नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, और दूसरा नंबर में जो है उसको रिवर्स कर देना है, उसी को रिवर्स करना है, दूसरा नंबर बनाना है। फाइंड विच ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो स्मॉलर बोल रहा था और यहाँ पे ग्रेटर, उन दोनों में से कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट में हम लोग लेते हैं फर्स्ट सेकेंड नंबर, तो लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट नंबर हो गया। अब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर में ठीक इसको उल्टा कर देते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 डिजिट नंबर ये हो गया रिवर्स। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है, रिवर्स नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स नंबर, आंसर ये हो गया कंप्लीट दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, यह है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें क्या कह रहा है इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। बाय यूजिंग 0, 2, 4, 5, 7, 1 ओनली राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट, 6 नंबर दिया हुआ है और 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर बनाने के लिए बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट बनाते हैं, उसके लिए हम लोग एस लिखेंगे, एस से स्मॉलेस्ट हो गया और ग्रेटेस्ट जी से ग्रेटेस्ट हो गया, और ध्यान रखना है कि इसमें हमको 7 डिजिट्स का नंबर बनाना है, उसमें 7 डिजिट्स होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट में क्या है, स्मॉलेस्ट में ये 0 जो है यूज होगा, किसी को रिपीट कर देना है, किसी को रिपीट करना है, सिर्फ इन्हीं नंबरों को यूज करके हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम रिपीट करेंगे, तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है वहाँ से लिखना शुरू करेंगे 0 छोड़ के, तो ये जो है 1, 1 छोटा है और फिर 0 लेते हैं, तो हमको रिपीट करना है, तो रिपीट में हम 0 को रिपीट कर सकते हैं, ये हो गया रिपीट, उसके बाद 2, फिर 4, 5, फिर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट का नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 7 डिजिट का, और इसको ग्रेटेस्ट बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए बड़ा नंबर जो होता है उसी को लेना है हमको, और उसी को रिपीट कर देना है, सबसे पहले उसको लेना है, तो 7 इसको रिपीट कर देना है, और 5, 4, 5, 4, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये दोनों ही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय यूजिंग दिस 1, 0, 1, 2, 3, 4 ओनली, सिर्फ इसी नंबर को यूज करते हुए राइट द स्मॉलेस्ट, फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाना है और फिर ग्रेटेस्ट बनाना है, नंबर्स ऑफ 7 डिजिट, यहाँ भी 7 डिजिट का नंबर बनाना है, और यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया हुआ है, उसी से हमको 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट बनाना है, उसके लिए हम लोग एस लिखते हैं, एस से स्मॉलेस्ट हो गया और जी से ग्रेटेस्ट हो गया। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 0 को छोड़ के, तो 1 है,
वन, और इसको 1 2 3 4 5, 5 है मेरे पास, तो 2 नंबर और बढ़ाना है, मतलब इसको हमको 2 बार रिपीट करना होगा। 1 2, ये हो गया, रिपीट हो गया, 3 हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 5 6, एक और जीरो लगाना पड़ेगा। ये हो गया 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 3 4, 4 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इसको रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा, 4 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, ये 1 2 3, 3 हो गया, इसके बाद हम लिखते हैं 4 5 6 7, 3 बार इसको रिपीट कर दिया। अब लिखते हैं 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, और ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब 12 नंबर में हम लोग आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स विथ डिजिट 5 इन थाउजेंड्स प्लेस। तो 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और थाउजेंड्स प्लेस पे 5 रखना है। तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 पे 70 लगा देंगे तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 पे हम लोग 7 डिजिट लगाना, 70 लगाना है, 1 2 3 लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको सीधा पहले लिख लेते हैं, 1 10 100 1000, इस पर 70 लगाना है, 3 हो गया, 4 5 6 7, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 10 100 1000, यहाँ पे जो है 5 रखना है, तो इधर 30 हो गया और इधर 30 हो गया, तो मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया, यहाँ पे रखना है 5, और फिर 1 2 3, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और ये 5 जब इसमें हम लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो आंसर होगा ये नंबर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह का कुछ दिया हुआ है, तो ये हम लोग देखते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स विथ डिजिट 2 इन टेंथ प्लेस। इसको टेंथ प्लेस पे रखना है, और ग्रेटेस्ट नंबर हमको लिखना है, तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 7 नंबर में लिखा हुआ है, 7 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 9 9 लिखते हैं, 7 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो है टेंथ प्लेस पे 2 रखने के लिए बोला गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब वही रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 2 और यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 4 यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं उसको सॉल्व करने का पूरी प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है, तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।